साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के एक नए वीडियो में। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धन्वंतरि जयंती है, इन्हें स्वास्थ्य का देवता कहते हैं और ये आयुर्वेद के जनक हैं। अतः आयुष मंत्रालय प्रतिवर्ष आज के दिन अर्थात धन्वंतरि जयंती के दिन आयुष दिवस के रूप में मनाती है। अतः इस शुभ अवसर पर मैं एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जो कई प्रकार के रोगों को दूर करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस महत्वपूर्ण जड़ी बूटी को काल में कहते हैं। इसकी पत्तियों को देखिए, ये मिर्च की पत्तियों जैसी होती हैं और स्वाद में बहुत ही कड़वी होती हैं। पत्तियों की बनावट तथा स्वाद में कड़वापन ही इस पौधे की पहचान है। इसमें वर्षा ऋतु में ढेर सारे पुष्प खिलते हैं और शीतकाल में फल जो है पकना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें फल लगे हुए हैं और कुछ फल पकने भी लगे हैं। इसके फल पकने पर इस तरह से भूरे रंग के दिखते हैं। इसमें ढेर सारे बीज होते हैं, इन बीजों से नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम एग्रोग्राफिस पानिकुलाटा है। संस्कृत भाषा में इसे भूनिम कहते हैं। जनमानस भूनिम के नाम से ही अधिक परिचित हैं। यह एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। इसकी पत्तियां, फूल, फल, तना एवं जड़ सभी उपयोगी होती हैं। यह अनेक प्रकार के रोगों में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, कैंसर, अनिद्रा, कब्ज की समस्या, क्षय रोग तथा लीवर की समस्या आदि गंभीर बीमारियों में यह एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। यह औषधि पौधा बीजों से उगाया जाता है। जब इसके फल अच्छी तरह से पक करके भूरे रंग हो जाते हैं तब इन्हें संग्रहित किया जाता है। ये अधिक पकने पर चटक जाते हैं, अतः चटकने से पूर्व इनको संग्रहित कर रखा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे फल लगे हुए हैं। शीत ऋतु में इसमें अच्छे से पुष्प लगते हैं और फल लगना भी शुरू हो जाता है। शीतकाल के आरंभ से ही ये फल पकने लगते हैं। पके हुए फलों को संग्रहित किया जाता है और इन संग्रहित बीजों को आप अप्रैल मई में लगा सकते हैं। अधिक धूप और अधिक वर्षा इनके पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। रेतीली एवं दलदली मिट्टी को छोड़ करके इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरा यह पौधा पथरीली मिट्टी में उगा हुआ है। यह जंगली क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। मैंने इसे जंगल से ही लाकर अपनी बगिया में लगाया है। इसके औषधि गुणों के कारण बहुत सारे लोग इसे अपने घरों में लगाए हुए हैं। इसकी औषधि विशेषताओं के कारण ही दक्षिण एशिया में इसकी प्रचुर खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान तथा प्रचुर मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं और 45 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। इस औषधि पौधे को अधिक देखरेख की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में 7-8 घंटे की धूप तथा भरपूर वर्षा इसकी वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। इसकी सारे अंग कड़वे होते हैं, अतः इनमें कीड़ों का भी प्रकोप दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हैं मेरा यह पौधा बहुत ही सुंदर ढंग से विकसित हुआ है और छोटे झाड़ी का रूप ले लिया है। अब बात करते हैं कुछ विशेष रोगों के निदान में इस औषधीय पौधे का उपयोग। मधुमेह, डायबिटीज, कालमेघ में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इस पौधे के अर्क का सेवन टाइप 1 डायबिटीज के विरुद्ध एक प्रभावी रूप से कार्य करता है। क्षय रोग, टीबी, 2 ग्राम पंचांग चूर्ण में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर 1 माह तक सेवन करने से इसके प्रभावी परिणाम देखे गए हैं। यकृत, लीवर की समस्या, काल में पंचांग के रस में या पंचांग का काढ़ा बनाकर इसका सेवन करने से लीवर संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हृदय स्वास्थ्य, हार्ट पेशेंट के लिए, हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काल में का सेवन एक प्रभावी परिणाम देता है, क्योंकि इसमें रक्त के थोकों को रोकने की प्रक्रिया एंटी थ्रोम्बेटिक पाई जाती है। इस तरह से हृदय स्वस्थ रहता है। रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी का विकास, कालमेघ में इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी गुण पाया जाता है।
यह गुण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। इस प्रकार इस औषधि का प्रयोग करने से अनेक प्रकार के बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही अपच, अनिद्रा, त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है, अतः इसे आप अपनी बगिया में लगा करके इसका प्रचुर मात्रा में लाभ ले सकते हैं। इस पौधे के इतने अधिक लाभ होते हुए भी कुछ नुकसान भी होते हैं, अतः इनका प्रयोग करने से पूर्व आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। इस औषधि का लंबे समय तक तथा अधिक प्रयोग करने पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे जी मचलना, चक्कर आना, पेट का फूलना, भूख में कमी, हृदय संबंधी रोग तथा प्रजनन क्षमता में गिरावट भी हो सकती है। कहा भी गया है अति सर्वत वर्जयेत। इस औषधि पौधे का संतुलित उपयोग करने से यह लाभदायक होता है। इस तरह से यह एक गुणकारी औषधि पौधा है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपनी पसंदगी प्रकट करिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ इसे साझा करिए, और नए मित्र जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्र पहुँच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी दिवाली।